पापा रायत बेटा मेरी बात सुन। रायत कुछ खाया तुमने? मेडिसिन ली? मेडिसिन? यू थिंक आई एम क्रेजी? नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं तो अच्छा तुम आओ मेरे साथ। आओ मेरे बेटा, मैंने फ्रूट काट के रखा है तुम्हारे लिए। दिए हुए तोहफों से बहर कर आपका वापस जाना भूल जाऊंगी? नहीं, इन्हें देखकर तुम्हें मेरा वापस आना जरूर याद आएगा। मेरी लाई हुई चीज जब जब तुम पहनोगी मैं तुम्हें याद। आप तो मुझे कभी भूलते ही नहीं, और आपको याद रखने के लिए मुझे इन कीमती तोहफों की जरूरत नहीं है। कैन यू इवन इमेजिन कि मेरे इतने इंपॉर्टेंट इवेंट के लिए मेरे पास मैचिंग ज्वेलरी नहीं है। इतनी परेशान हूं और तुम हूं करके बैठ जाओ तो मैं क्या कहूं? तुम ही बताओ, कोई अपनी मंगनी के दिन भी इन चीजों के बारे में परेशान होता है क्या? तो पहले से तैयारी करनी चाहिए थी ना। पहले से बताते तो ना, अभी अचानक से ये सब सामान भिजवाया, मामा को कॉल किया और कहा कि सारा को भी साथ ले आए। ऐसे भी कोई दुल्हन को बुलाता है भला? ये लोग बुलाते हैं। नहीं, ये तो रायत की जिद है। भाभी को भी तो बुलाया था। हम्म, तुम्हें किसने कहा? नहीं, मैं बस वैसे ही कह रही थी। अच्छा, वो तुम इतने यकीन के साथ कह रही थी, मुझे लगा तुम हाजरा भाभी की बात कर रही हो। नहीं, मैं अपनी भाभी के बारे में बात कर रही थी। तुम्हारी भाभी? हाँ, भाभी समझती थी। यार, मैंने तुम्हें यहाँ अपनी हेल्प करने के लिए बुलाया है, लेकिन तुमने कसम खा ली है कि ना हेल्प करोगी और ना साथ चलोगी। मैं क्या हेल्प करूँ? इतना तो मशवरा दे सकती हो ना कि इसके साथ कौन सी ज्वेलरी पहनूँ, ये या ये या इन दोनों में से? कई बारी पहनो जो रायत ने भिजवाई है, ये तुम पे अच्छा लगेगा। मुझे जरा काम में आती। मिस मापारा, एडमिन से कॉल आई थी, आज आप स्कूल नहीं गई? वो आज घर में इवेंट था ना, तो वही। तो आज घर में इवेंट था इसलिए तो मैं नहीं जा सकी।
अब क्या हर बार आप मेरे साथ ही ऑफ करेंगी? मैं कह रहा, तुम जाओ, मामा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अब फिर? अच्छा, डोंट स्टार्ट, डोंट रूइन योर डे। चलो, कम ऑन, लेट्स सी।